राहुल गांधी के इस बयान को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि दुनिया प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रही है और राहुल गांधी विदेशी धरती पर पीएम का अपमान कर रहे हैं, ऐसे नेताओं का बहिष्कार किया जाना चाहिए। तो ये मांग की है हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने। और राहुल गांधी के बयान के बाद इस मामले को लेकर सियासत भी गर्माने लगी है, अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं और जाहिर तौर पर अनिल विज के इस बयान के साथ बीजेपी ने दिखा दिया है कि वो किस तरीके से हमलावर है। तो जयनेन्द्र का एक बार फिर रुख करेंगे। जयनेन्द्र, जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रहे थे पिछली बार लंदन में दिए बयान को लेकर, पार्लियामेंट का एक पूरा सेशन धुल गया और अब इस तरह के बयान के बाद एक बार फिर बीजेपी ने अपने हमलावर तेवर जाहिर कर दिए। देखिए, निश्चित तौर पर राहुल गांधी की बयान चाहे वो देश में हो या विदेश में, और विदेश में हो तो खासतौर पर बीजेपी के नेताओं के निशाने पर होते हैं, चूंकि उन्होंने सीधा हमला प्रधानमंत्री पर बोला है, जाहिर सी बात है बीजेपी रिएक्ट करेगी। लेकिन इसके जवाब में कांग्रेस ने जो है वो भी आक्रामक रणनीति अपनाई है। बीते दिनों में हमने देखा कि जब लंदन में राहुल के बयान को लेकर विवाद हुआ तो कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी के उन तमाम बयानों की फाइल लेकर आई जो उन्होंने बीते 9 सालों में विदेश के अलग अलग धरती पर दिए हैं और देश की सियासत को लेकर के टिप्पणियां की हैं। तो कांग्रेस एक बार, अगर बीजेपी हमला करेगी, कांग्रेस एक बार फिर प्रधानमंत्री के पुराने बयानों की याद दिलाई कि पीएम भी देश की सियासत को लेकर के विदेश में टिप्पणियां कर चुके हैं और राहुल गांधी का जो बयान है वो उसमें उन्होंने राजनीतिक निशाना जरूर साधा है, किसी का अपमान नहीं किया है। तो राहुल के बयान से जो उन्होंने अमेरिका में दिया है, आरोप प्रत्यारोप देश में शुरू होगा और अभी ये और चलेगा क्योंकि राहुल का 6 दिनों का अमेरिका का दौरा है जिसमें वो अलग अलग कार्यक्रमों में, सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। और प्रणय जी, न सिर्फ प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी की बल्कि बीते दिनों में जो नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ उसमें जो राजदंड हमने देखा और प्रधानमंत्री दंडवत हुए, राजदंड के सामने पूजा पाठ की जो पूरी प्रक्रिया हुई, राहुल गांधी ने एक सवाल के जवाब में यह भी कहा कि देश के असली मुद्दे महंगाई बेरोजगारी हैं और नफरत का माहौल है, लेकिन बीजेपी उस पर चर्चा नहीं कर सकती, इसलिए वो कभी राजदंड की बात करती है, कभी दंडवत होती है। शुक्रिया तो जानकारी के लिए जयनेन्द्र, आप नजर बनाए रखें। जाहिर तौर पर राहुल गांधी के इस बयान को लेकर सियासत लगातार गर्माने वाली हो क्योंकि अमेरिका में राहुल गांधी इस तरीके के बयान और भी देने वाले हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।